नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ लिफ्ट ऑफ मास 100 केजी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट दिस शुड बी रेस्ट रेस्ट नहीं इन द अपवर्ड डायरेक्शन फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ द लिफ्ट फुल स्टॉप T1, T2, T3 stand for tension in the rope from 0 to 2 second, 2 to 6 second and 6 to 7 second respectively. Then हमें बताना है T1, T2, T3 का रेशियो क्या होगा. Now, scenario ये है कि ये आप एक ब्लॉक है 100 kg का, M इसका मास है, that is equal to 100 kg. उसको आप एक किसी फोर्स टेंशन से ऊपर लेके जा रहे हैं. Now, इस केस में वर्टिकली अपवर्ड्स आप ऐसे लेके जा रहे हैं और आपने यहाँ से ये चालू किया हुआ है ना. सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता है एक्सेलेरेशन जो है उसको हम लिखते हैं दैट इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. तो वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें एक्सेलेरेशन देता है. तो एक्सेलेरेशन अगर हम कैलकुलेट करें इस स्टेज पे तो ये आएगा आपका एक्सेलेरेशन हो गया 10 थीटा, यानी कि ये आपका 4 है ये 2 है, तो एक्सेलेरेशन हो गया यहाँ पे आपका +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अपनी अगर एक्सिस देखेंगे तो ये ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकेंड और ये पर सेकेंड है, ये टाइम आपका सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा. यहाँ पे आपका एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज स्लोप आपका फ्लैट है. यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है ये आपका 4 और ये 1 है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू आपका -4 होएगा. ध्यान रखना स्लोप आपका नेगेटिव है तो एक्सेलेरेशन आपका -4 आएगा. नाउ पहले वाले केस में जो आपका प्लस एक्सेलेरेशन है तो हम यहाँ लिख सकते हैं टी विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए, बिकॉज आपको ए एक्सेलेरेशन से इस ब्लॉक को वर्टिकली अपवर्ड्स लेके जाना है ना, इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो टी की जो वैल्यू है दैट विल बी मास आपका हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय जी को हम सेफली आई थिंक 10 ले सकते हैं +2, सो दिस विल बी इक्वल टू टेंशन T1 जो है आपकी T1 दैट विल बी इक्वल टू 1200 न्यूटन. ये पहली वैल्यू आ गई. नाउ सेकेंड केस में एक बार कलर चेंज करते हैं पेन का. सेकेंड वाले केस में हम कहेंगे T2 जो है दैट विल बी इक्वल टू एम जी बिकॉज एक्सेलेरेशन आपका 0 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि आ जाएगा आपका 1000 न्यूटन. थर्ड केस जो है जहाँ पे आपका एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो टेंशन T3 विल बी इक्वल टू एम जी माइनस ए या फिर प्लस ए, और ए की ऑलरेडी वैल्यू नेगेटिव है, सो दिस विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 4, सो दिस विल बी इक्वल टू 600 न्यूटन. नाउ इनके अगर रेशो की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं T1 इज टू T2 इज टू T3 दैट विल बी इक्वल टू, ये आएगा आपका 1200 इज टू 1000 इज टू 600. है ना, कुछ लोग यहाँ पे रेशो पे परेशान होते हैं, उसके लिए मैं आपके स्टेप्स और लिख देता हूँ. तो सबसे पहले तो आप 0 0 0 से इसको डिवाइड कर, वो 100 से डिवाइड कर दें तो 12:10:6 हो गया. उसके बाद 2 से फिर और डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 6:5:3, ये आपका T1, T2, T3 का फाइनल रेशो होएगा. हेंस ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर.